बीटिंग माइनक्राफ्ट इन ओनली 10 डेज़। तो ये होने वाला है सर्वाइवल के साथ साथ स्पीड रन भी, तो होने वाला है 10 डेज़ का। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टाइम जर्नी को। तो डे फर्स्ट की शुरुआत होती है अपने वुड काटने से ही, हर माइनक्राफ्ट वीडियो में यही होता है। और फिर अपने लिए एक पिकेक्स बना ली जाए और फिर थोड़े स्टोन माइन करते हैं और चलते हैं आगे। और इधर शिप्स भी है और इधर है रुइंड पोर्टल जिसमें एक चेस्ट है। और भाई ठीक है, इतना भी बुरा सामान नहीं है। और कर्स ऑफ वैनिशिंग के बूट्स भी हैं। ठीक है, चलते हैं आगे चेस्ट को लेकर। और इधर हमको मिला है एक डेड विलेज जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो मार सकते हैं। भाई साइड हो जाओ। और यहाँ पर हे बेल्स है भाई, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा हमको, सिर्फ हे बेल्स ही मिलेंगी। तो लेकर चलते हैं इनको ही। तो ये होने वाला है अपना दूसरा दिन जहाँ पर हमको एक और विलेज मिला है उससे प्लेन्स बायोम में, और जहाँ पर एक चेस्ट में मिले 12 ऑब्सीडियंस। भाई साहब आगे चल के काम आएंगे। और हे बेल्स को यहीं छोड़ते हैं। और इधर हे बेल्स है, पर हे बेल्स की कोई कमी नहीं है अपने पास। तो इस वाली चेस्ट में थोड़ा सा ठीक ठाक सामान है, जहाँ पर हमको एक चेस्ट प्लेट मिली है लेदर की। और अपना घर होने वाला है इसी छोटे से घर में। मीन्स माइनिंग तो स्टार्ट कर दी, पर अपने पास टॉर्चेस नहीं है। ओके, इन खंभों पे से ले लेते हैं टॉर्चेस। और अब हमको मिल चुका है आयरन, और यहाँ पर फरने से ले चलते हैं, अपने काम आएंगे। बट आयरन मिल चुका है और अब तक कोल नहीं मिला है। तो थोड़ा और माइनिंग करने के बाद फाइनली इधर कोल मिल चुका है, और फिर चलते हैं आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। तो मैंने अभी आयरन को स्मेल्टिंग के लिए लगाया है और अपने लिए दो पिकेक्स भी बना लिए जिससे कि ज़्यादा माइनिंग कर सके। और ये आ चुके हैं हम बेडरॉक लेवल पर, और थोड़ा ही आगे माइनिंग करने के बाद मुझे डायमंड भी मिल चुके हैं, बट अपने पास आयरन की पिकेक्स नहीं है। तो चलते हैं ऊपर आयरन की पिकेक्स बनाने के लिए। ओके, तो बना लिए मैंने आयरन की पिकेक्स, और चलते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा ही माइनिंग करेंगे जिससे कि अच्छे खासे डायमंड आए अपने पास। तो अपने टूल्स और आर्मर कम्प्लीटली रेडी है और फाइटिंग के लिए तो तैयारी है, हम चलते हैं नेदर में अपने। तो इसके बाद मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है बट रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने 12 ऑब्सीडियन से एक नेदर पोर्टल बनाया था, और फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल चुका था। तो अब कंटिन्यू करते हैं नेदर फोर्ट्रेस से। और भाई ये वाला सीन तो बिल्कुल ही एपिक है, क्योंकि यहाँ पर मरते मरते बचा भाई मैं, और ब्लेज तो कंटिन्यू हमला कर ही रही थी और ब्रेड की वजह से बच गया। चलते हैं आगे पिगलिन से ट्रेड करने के लिए, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पिगलिन से ट्रेड करने के लिए। तो मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में गया था थोड़ी बहुत गोल्ड लेने के लिए, और अपने पास 2 स्टेक एंडरपल्स के आ चुके हैं अब, और चलते हैं वापस घर में। तो अब तैयारी करते हैं एंड फाइट की, जहाँ पर मुझे यहाँ पर एक बो बना लेते हैं पता नहीं क्यों, और मुझे लगता है कि थोड़े बहुत बेड भी बना लेना चाहिए। बना कर चलते हैं, गोल्ड तो है ही अपने पास और वुड भी है। तो अब एक्टिवेट करते हैं अपने एंड पोर्टल को। तो आ चुके हैं एंड में, और भाई एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल को तोड़ते हैं। बट वेट, मैंने अभी तक एक एंड क्रिस्टल नहीं तोड़ा है, और ये वापस हील कर रही है। बट चलो थोड़ा डैमेज देके देखते ही हैं कितना डैमेज तक लेती है ये एंडर ड्रैगन। और वेट भाई साहब, कोई बात नहीं यार, बच चुके हैं, वापस से चलते हैं उसके पास थोड़ा और डैमेज देने के लिए। बट यार मैं अभी तक एंड क्रिस्टल नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देके देखना है कितना तक डैमेज देती है ये। और वेट भाई, डैमेज भाई ठीक है, बच चुके हैं भाई। हाँ क्या उठा के फेंकती है यार ये। मुझे सबसे पहले उस एंड क्रिस्टल को ही तोड़ना पड़ेगा यार, ये कुछ डैमेज ले नहीं भाई। और तेरी ओ भाई, बच चुका हूँ मैं यार, ये MLG तो खतरनाक थी। ठीक है, तो सबसे पहले इस एंड क्रिस्टल को ही तोड़ते हैं और चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैंने एक बेट लगाता हूँ कि कितना डैमेज तक लेती है ये। बट वेट, इसको थोड़ा ऐसे ही डैमेज देख के देखते हैं भाई। हेल्थ तो देखो खतरनाक तरीके से जा रही है हेल्थ एक्स की मदद से। बट वेट भाई साहब, बच जाऊँगा मैं, पता है मुझे यार। और मेरे पीछे एक एंडर मेन पड़ चुका है भाई, निकल, मर चुका है। ठीक है,
तो इसी टाइप से मैंने इसको बहुत सारे हिट दिए और भाई फाइनली ये देखो लास्ट के 2-3 हिट। सेवेंटीन XP से डायरेक्ट हो चुकी है अपनी 63 XP और एंडर एक का कुछ काम नहीं है अपने पास। ओके, ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर।